हवन। फिर द्वापर युग में हुआ कि भगवान की जो श्रद्धा करने का डीटी वर्शिप उसका मंत्र का उच्चारण करना था, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में ये सब मुश्किल बातें नहीं हो सकती। नहीं ऐसा सही है, नहीं नहीं सही है, सही है। कलयुग में ये सब मुश्किल बातें नहीं हो सकती, क्योंकि ना ही हमारे पास सतयुग जितना यहाँ पे टाइम है, आयु है हमारी, ना त्रेता युग जितने हमारे पास वो धन है, सामग्री है कि वो हम हवन यज्ञ करें, ना ही द्वापर युग जितना हमारे पास समय है कि हम 10-10 घंटे यहाँ भगवान की वर्शिप करें, या तो ना हमारे पास ऐसे ब्राह्मण है जो उन शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करें। तो कलयुग में उन सब बातों का जितना ही पुण्य हमें, उतनी मेहनत का पुण्य हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूले के जरिए 16 वर्ड्स में मिला हुआ है, वो है हरे कृष्णा महामंत्र। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कलयुग के वासी इतने दुख में, इतने पीड़ा में, इतनी कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, ये पुण्य पाप कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, पाप कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इन सब बातों से निजात पा सके। तो उस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जी बिल्कुल, तमाम वेदों में से एक छुपा हुआ एक मंत्र है जो मैंने सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए डिस्क्लोज किया है। तो नारद मुनि ने पूछा कि वो कौन सा ऐसा मंत्र है, उसके उच्चारण करने का हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है। तो उस पर ब्रह्मा जी ने बहुत सरल सा जवाब दिया कि वो मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, और उसको उच्चारण करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे सरल है। आप जहाँ भी हो, जिधर भी हो, सिर्फ कृष्ण भक्ति से, प्रेम से उस मंत्र का उच्चारण करें। जैसे हमारे पास बाकी मंत्र है, उसमें जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भव स्वाहा, वो एक नेम है, उसको करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके, स्नान किया हुआ हो, साफ जगह हो, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जाप करने के लिए हमें सिर्फ श्रद्धा चाहिए। हम जहाँ भी हो, जिधर भी हो, जिस भी अवस्था में हो, वो नाम का जाप कर सकते हैं। एक बार शिव भगवान जी ने माता पार्वती से कहा, जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, हम रा बोलते हैं, तो रा यानी हमारे बॉडी में, हमारे अंदर जितने भी पाप कर्म है, जितने भी नेगेटिव बातें, वो हमारे मुंह से निकल जाती है रा। और जब हम मा बोलते हैं, हमारा मुंह बंद होता है, तो वो दोबारा लौट के नहीं आती। जिस मंत्र में 4 बार कृष्ण, 4 बार राम और 8 बार हरि हो, उस मंत्र की इम्पोर्टेंस मैं शायद 5 मिनट की स्पीच में कभी नहीं बता सकती। भगवान का नाम लेना और भगवान कोई दो अलग बात नहीं। अगर हम यहाँ हरे कृष्ण नाम का मंत्र का नाम ले रहे हैं, जाप करें, तो जब हम कृष्ण बोलते हैं, तो स्वयं कृष्ण हमारे साथ होते हैं, हमारे सामने होते हैं। जब हम राम बोलते हैं, उनका राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो स्वयं राम हमारे साथ होते हैं, मिलके हम उस बात का कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं। जब अक्सर कीर्तन किया जाता है, तो यही बोला जाता है कि स्वयं कृष्ण, स्वयं राम, वो यहाँ पे हमारे साथ है, मिलके गुणगान कर रहे हैं। और हरि जो कि राधा रानी है, जो कि कृष्ण भगवान की शक्ति है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी थोड़ा कर्मा की, जिसमें हम सब मानते हैं और जो हमारा बेसिक बिलीफ है। हम इस जन्म में जितने भी पाप कर्म, जो हम पुराने हैं, हमारे जितनी भी एक गड़ा भर चुका है पापों का, उसकी जो हम सफरेंगे, उसकी रिएक्शन को हम यहाँ भोग रहे हैं। अब बुरे कर्म तो हमने जो किए हैं, जो हम मनुष्य योनि में हैं, अब उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसका सिर्फ एक ही सलूशन है, हरे कृष्णा महामंत्र। अब हम पुराने कर्म, जन्म के तो कर्म के जो हमारे जो क्या कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट है, उसको तो कम कर ही रहे, साथ में जो आने वाली जिंदगी है, जो आने वाले कर्म है, उसके लिए हम पॉजिटिव कलेक्शन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो ये हमारा 2-in-1 काम नहीं हुआ। और साथ में स्पेशली जब ये हम माया के दौर में हम लोग की ख्वाहिशात होती है, ये हासिल करना, वो हासिल करना, तो उस ख्वाहिशात के रुझान में जो हम लोग मोह माया लोभ मोह अहंकार में फंसते जा रहे हैं, तो उस चीज की टेंडेंसी को भी हमारा ये कृष्ण महामंत्र कम करता है। जब इस कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते, तो इस तरह पुराने जन्म के कर्म भी, पुराने जन्मों के हमारे जो नेगेटिव वाइब्स है, वो भी कम होते हैं। और अगर हम कुछ सफर, हमारा रिएक्शन हम यहाँ कर भी रहे, तो वो अगर कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ साथ होगा, तो उसका इफेक्ट यकीनन कम होगा। और कृष्ण शक्ति के साथ होगा, तो कृष्ण प्रेम में होगा, तो वो शायद हमारे लिए इतना मुश्किल या कठिन ना हो। अच्छा, अगर मैं बैक टू दोबारा चैंटिंग टॉपिक जाऊं, तो ये कि हम लोग को इम्पोर्टेंस पता है, मगर मेजोरिटी केसेस में तो हमें ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला पता ही नहीं हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को, कि कलयुग में मोह माया से उठने का एक हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो चैतन्य महाप्रभु के जरिए भी मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस बात का उच्चारण करना तो दूर की बात, पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसकी अवेयरनेस फैलाना। अब अवेयरनेस का एक मेजर रीजन ये भी है, जब मैंने भगवद्गीता पढ़ी, जो कि हमारी ऑथेंटिक वाली है, श्रीला प्रभुपाद जी की, उसमें जो हमारी स्कॉन की है, उसमें हर दूसरे तीसरे श्लोक के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग है, उनके पर्पट में एक्सप्लेन की गई है। वो पढ़ने के बाद भी मुझे रियलाइज हुआ कि
थे इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्लास में आएंगे नहीं तो शायद इम्पोर्टेंस तो पता चलेगी नहीं, तो वो हमारा लक्ष्य तो हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता अगर वो हमें पाथवे ही ना पता उस चीज का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में तो वैसे तो कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो, लेकिन मुझे जैसे पता चला इम्पोर्टेंस की ये वो चैंटिंग की यही इम्पोर्टेंस है, तो मैंने सोचा हाँ करना जरूरी है, मैं ये चैंटिंग करूंगी तो मुझे ये फायदे होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे जो प्रभु जी हैं, जो सीनियर माता जी हैं, वो तो उस लेवल के डिवोटी हैं कि वो सिर्फ प्रेम कृष्ण प्रेम प्रेम में क्या कहते हैं चैंटिंग करते हैं, वो इस बेनिफिट्स को नहीं सोचते। लेकिन अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूँ जो हमारे जूनियर डिवोटीज हैं या जैसे स्टार्टिंग करते, तो मैंने सोच के तो ये किया था कि मुझे ये फायदे हासिल करने तभी मैं चैंटिंग करूंगी, एक माला से शुरू की। लेकिन जब मैं चैंटिंग करने शुरू की तो एक वाइब थी, जो एक क्या कहते हैं कनेक्शन था जो मेरे और कृष्णा में बन गया, जो मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली मैं उस तरफ चले गई कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार चैंटिंग वो खुद होने लग गई। वो मेरी नहीं, वो एक बार जब कृष्ण प्रेम भक्ति में कोई आता है तो फिर वो पीछे नहीं मुड़ सकता, क्योंकि जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाता है, वो बनता जाता है। और एक और बात जो छोटी मैंने एक्सपीरियंस की जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मैं आई तो यहाँ स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए थी कि इटर्नल मेरा कनेक्शन हो जाए कृष्णा के लिए इसके साथ, लेकिन जो मैंने नोट किया कि मेरे सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं मटेरियली भी जो थोड़ी बहुत लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होती है सबके, अगर बच्चा है तो उसके लिए एग्जाम्स है, मेरे लिए टीनेजर फैक्टर है, किसी के लिए घर की समस्या है, तो वो भी कम हो रही है। तो स्पिरिचुअली भी और मटेरियली भी हर तरह से फायदा ही है, तो ये टू इन वन बेनिफिट्स वाली बात नहीं हुई। एक बार कुंती माता जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे दुख ज्यादा पसंद है, मैं दुख में ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि दुख में मैं आपकी भक्ति करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, जबकि सुख में ये भूल जाती हूँ। और ये तो हम सब इस बात में बिलीव करते हैं, खास तौर पे कलयुग के रहते हुए ये लोग, हम लोग किस तरह जब सुख में होते हैं तो कृष्ण को प्रेम को कृष्ण प्रेम को भगवान को भूल जाते हैं, और दुख में कैसे हमें वो भगवान याद आ जाते हैं। तो इसके लिए दुख में सिमरन करे हर कोई, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। और जैसे कि मैंने लैक ऑफ अवेयरनेस की बात की थी, तो एक ये भी छोटा सा इशू है कि यहाँ पे हिंदुज्म में सनातन धर्म में हम लोग इतना ये डिवाइड हो गए कि सबने अपने अपने गॉडेस गॉड की वर्शिप करना शुरू कर दिया, और हम भूल गए जो हमारा मेन जो हमारा सोर्स है वो कृष्णा है, एक्सट्रीम पे कृष्णा है, फिर बाकी जो सारे हमारे जितने भी देवी देवता है वो डेमी गॉड्स हैं। इसको अगर मैं और इजीली इलेबरेट करूं तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, लक्ष्मी माता है तो वो धन की माता, सरस्वती माता है तो गॉडेस ऑफ विजडम, गणेश भगवान है तो विघ्न विधाता। लेकिन अगर हमारे पास सुप्रीम पर्सनैलिटी की डायरेक्ट कनेक्शन होगी तो कोई भी जूनियर्स के पास तो नहीं जाएगा ना। अगर हमारे पास सीनियर के पास डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या कहते हैं मेन सुप्रीम के पास जाएंगे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि तमाम देवी देवता तमाम मनुष्य मेरी सेवा करें। अगर हम रूट को क्या कहते हैं जड़ को पानी डालेंगे तो तमाम हर जगह तो वो खुद ही पहुंच जाएगा। तमाम देवी देवताओं के आशीर्वाद लेना है, सबके वो आशीर्वाद लेने तो उसके पास हमारे पास एक इजी तरीका है, हम कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण प्रेम में जाएं। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलूंगी कि हम यहाँ पे हैं, हम ये बातें सीख रहे हैं, वो किसकी देन है, श्रीला प्रभुपाद की, उनने बहुत एफर्ट्स किए, उनने बहुत मेहनत की, तो हम यहाँ आके सिर्फ सुन रहे इतना काफी नहीं है। अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी को एक सिंपल सा अगर थैंक यू बोलना चाहे तो वो ये है कि हम उन्हीं के एफर्ट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएं, उन्हीं की मूवमेंट को थोड़ा इनलार्ज करें। वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो इस चीज से अवेयर नहीं है, जो ये ट्रेजर उनके पास नहीं है। अगर हमारे पास है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें भी दिखाएं, उन्हें भी बताएं। और शायद इसका बेस्ट तरीका ये है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, हम करेंगे वो चीज, वो देखेंगे वो एक्सपीरियंस, वो हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम बताएंगे, वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे चेंजेस आ रही है, तो ही वो इस तरफ रागिब होंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी को थैंक यू कहने का अगर एक ये छोटा सा तरीका है, तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कौन फैमिली में शामिल करें, इस कौन का शेल्टर में लाएं। तो अब एंड में मैं चाहती हूँ सब मिलके एक बार प्रेम से जोर से हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।